तो साधु जी सात कांड है रामचरितमानस में, और पहला श्लोक बड़ा प्यारा है। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कौन सा कांड है अयोध्या, तीसरा अरण्य, चौथा किष्किंधा, पांचवा सुंदर, छठवा लंका, लंका कांड, और सातवा उत्तर कांड। सात कांडों के अंतर्गत ही श्री रामचरितमानस श्री राम जी की पावन लीला है। सात का बड़ा प्यारा महत्व है, दिन भी सात होते हैं, स्वर भी सात होते हैं, लोक भी सात हैं, रंग भी सात होते, रामायण में स्वर कांड भी सात हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जब प्रारंभ की तो श्लोक भी साथ लिखे बाल कांड में, वर्णा नामर्थ संघान रसानाम चंद्र सामपी मंगलानाम चकर्तारो वंदे भगवान। गोस्वामी जी प्रारंभ के श्लोक में गणेश जी और मां सरस्वती की वंदना करते हैं, लेकिन प्रारंभ में वंदना करते वाणी, वाणी मतलब सरस्वती, वंदे वाणी विनायको, वाणी की देवी है मां सरस्वती। और सरस्वती की वंदना क्यों करते, देखो प्रायः हम लोग सबकी पूजा करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा दीपावली आती है तो ओम जय लक्ष्मी माता हमको कुछ नहीं आता, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। हाँ जी अना जी, नवरात्रि आती तो दुर्गा माता काली माता, लेकिन एक माता प्रायः बहुत लोगों के घर से गायब है जिनका नाम है सरस्वती माता। आओ, सरस्वती माता प्रायः लुप्त हैं, सब लोग काली माता को साध रहे, लक्ष्मी माता को साध रहे, पर सरस्वती माता को नहीं साध रहे। और हमसे अगर कोई पूछे तो हम तो यही जवाब देंगे, अगर जीवन काल में आपने सरस्वती माता को साध लिया तो आपके जीवन में धन अपने आप आ जाएगा।